तो हे गाइस, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने DZ09 स्मार्ट वॉच है मैंने ले लिया है। तो ये वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे इसलिए मैंने बता रहा हूँ। तो जैसे कि ये वीडियो जैसे कि हो रहा है कि ये आप DZ09 लीजिए या A1 स्मार्ट वॉच लीजिए, दोनों फ़ोन में सेम ही फीचर वर्क करता है। मैंने चेक भी किया, मेरे पास A1 स्मार्ट वॉच है उसमें भी मैंने चेक किया और इसमें भी मैंने चेक किया, तो दोनों में वही फीचर है वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास A1 स्मार्ट वॉच है और ये है DZ09। तो अभी मैं DZ09 से बताने वाला हूँ। जैसे कि इस स्मार्ट वॉच को सबसे पहले ऑन कर लेते हैं, तो आप लॉन्ग प्रेस करते ही आप ऑन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आखिर इसमें जो एक QR कोड आपको देखने को मिलेगा, वो QR कोड आखिर क्या होता है, वो क्यों दिया रहता है, उसको क्या मतलब है, वो सारा चीज़ है उसके बारे में आज इस QR कोड के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। आप इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप करते हैं तो आपको हो सकता है कि आप कहीं पे मिस्टेक कर दें। तो आप बिल्कुल वीडियो को पूरा अंत तक और फुल्ली वीडियो को देखिए। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं QR कोड मिल जाएगा। इस QR कोड को आपको क्या करना है कि एक मोबाइल को से स्कैन कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक मोबाइल ले लिया है, यहाँ पे स्कैनर खोल देना है। उसके बाद से क्या करना है आपको, यहाँ पे स्कैन कर लेना है। तो देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे स्कैन करूँगा, स्कैन करते ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक लिंक आएगा। तो सिंपली हम इस लिंक पर जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही आपको डायरेक्टली एक क्रोम ब्राउज़र में लेकर चले आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है इसलिए आप थोड़ी देर तक वेट कर लेना है। उसके बाद से आप लोग देख सकते हैं एंड्रॉयड डाउनलोड देख रहे हैं। तो ये बेसिकली एप्पल वॉच में आप ऐसा करिएगा तो नहीं होगा, iOS में करिएगा तो ऐसा नहीं होगा, केवल ये एंड्रॉयड ऐप में ही, एंड्रॉयड फ़ोन में ही ये वर्क करता है। तो सिंपली से यहाँ पे एंड्रॉयड डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप लोग क्लिक करिएगा, क्लिक करते आपको यहाँ पे अलाउ कर लेना है और डायरेक्टली आपके मोबाइल में है। ऊपर के साइड में आप लोग देखिएगा तो ये ऑटोमेटिक है, वो डाउनलोड होना चालू हो गया है। तो देख सकते हैं कुछ ऐप्स वगैरह डाउनलोड हो रहा है। तो इस ऐप्स का नाम बता दूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं वॉच प्रो यहाँ पर लिख कर आ चुका है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद से इसको परमिशन दे देना है। उसके बाद से क्या करना है आपको, बैक चले आना है। अगर आप में मांगता है तो ऐसा करिए, तो डायरेक्टली आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। जैसे इंस्टॉल करिएगा देख सकते हैं इंस्टॉलिंग है, स्टार्ट हो चुका है। तो थोड़ी देर तक वेट कर लिएगा तो सक्सेसफुली आपको मोबाइल में एक ऐप्स है वो डाउनलोड हो जाएगा, जिस ऐप्स का नाम है वॉच प्रो। तो अभी इस वॉच प्रो का सेटिंग वगैरह बारे में जानते हैं कि आखिर ये कैसा वर्क करता है, आखिर ये वॉच प्रो क्यों दिया गया है, क्या ये आपका स्मार्ट वॉच है वो बिल्कुल मतलब महंगे वाले, जैसे कि आपने स्क्रीन टच वाला स्मार्ट वॉच, जैसे कि वो वाला स्मार्ट वॉच आप लोगों ने देखा होगा, वो वैसा वर्क करता है या नहीं। तो फटाफट से इसको यहाँ से इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर अलाउ कर लेना है, परमिशन मांगेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन का भी परमिशन मांगा, कॉल का भी परमिशन मांगा, SMS का भी परमिशन मांगा, तो सारा चीज़ आपको अलाउ कर लेना है। उसके बाद से देख सकते हैं यहाँ पर डिस्कनेक्ट लिख कर आ चुका है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ से इस पर क्लिक कर देना है कनेक्ट करने के लिए। और आपको क्या करना है, इसमें चले जाना है अपने घड़ी में, और घड़ी में आने के बाद से क्या करना है आपको, यहाँ से ब्लूटूथ को सिंपली से ऑन कर लेना है। तो अभी देख लेता हूँ मैं ब्लूटूथ है वो ऑन है या ऑफ है। तो हमें ब्लूटूथ में आएंगे तो देख सकते हैं मेरा ऑफ है, तो सिंपली से एक के ऊपर एक बार टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ है वो ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद से आपको यहाँ पर देख सकते हैं DZ09 यहाँ पर लिख कर आ चुका है। तो अभी क्या करते हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करिएगा, क्लिक करते ही आपको यहाँ पे थोड़ी देर तक वेट कर लेना है और सक्सेसफुली आपको देख सकते हैं कनेक्ट हो वो हो चुका है। तो कनेक्ट होने के बाद से क्या करना है, आप देख सकते हैं पुश SMS स्विच। तो देख सकते हैं यहाँ से आप SMS को बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल पर कोई सा भी SMS आएगा, कोई सा भी मैसेज वगैरह आता है, तो आपको डायरेक्टली आपके स्मार्ट वॉच पर है वो शो करने लगेगा। जैसे कि आपने जैसे कि इस स्मार्ट वॉच में देख सकते हैं, जैसे कि मैं पहना हूँ वॉइस का है, इस स्मार्ट वॉच जैसे वर्क करता है वैसे ही इस स्मार्ट वॉच में भी वर्क करने लगेगा। तो काफ़ी सही इस ऐप्स का फीचर वगैरह मेरे को लगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ऑन कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ऑन करिएगा, ऑन करते हैं आप लोग देख सकते हैं दिस फीचर इज़ नॉट अवेलेबल दिस डिवाइस, क्योंकि ये मेरा फीचर इसलिए वर्क नहीं करेगा क्योंकि मेरे मोबाइल में अभी कोई सा भी ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं है। जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ कि इस मोबाइल में अभी कोई सा भी ऐप्स वगैरह डाउनलोड नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। जैसे कि आपके मोबाइल में व्हाट्सअप वगैरह जो भी रहता है, अगर आपके मोबाइल में व्हाट्सअप वगैरह है तो ये सक्सेसफुली वर्क करेगा। अभी भी मेरे मोबाइल में कोई सा भी ऐप्स वगैरह नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, इसलिए आपको यहाँ पे इस तरह का एरर आ रहा है। अगर आपके मोबाइल में है तो ये सक्सेसफुली ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आपको कोई सा भी चिंता लेने की बात नहीं है। और जैसे कि आप लोग एक और फीचर इसमें मिल जाता है, देख सकते हैं लुकिंग फॉर वॉच। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करिएगा,
क्लिक करते ही आपके स्मार्ट वॉच है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉच फाइंड सक्सेस, यहाँ पे देख सकते हैं वॉच है वो आपको बचने लेगा। तो मान लीजिए कि अगर आपके घर में कहीं पर वॉच रख दिए हैं, आपको मालूम नहीं है कहाँ पर है, तो सिंपली से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, आपको यहाँ से एक क्लिक कर लेना है केवल। एक क्लिक करते ही आपका स्मार्ट वॉच है वो बचने लेगा और आपको मालूम चल जाएगा कि आपका स्मार्ट वॉच है वो कहाँ पर है, तो आप सक्सेसफुली उसे ढूंढ सकते हैं कि वह कहाँ पर है। तो ये दो फीचर मेरे को काफ़ी सही लगता है, जैसे कि आपको बहुत सारे वॉच में आपको मिल जाता है, तो इसमें स्मार्ट वॉच में भी ये फीचर है वो दिया गया है। तो आप ऐसा ही करके आपके मोबाइल पे जो भी एसएमएस आता है या आपके स्मार्ट वॉच कहीं पे गुम हो जाता है, तो आप ऐसा ही करके आप इसे ढूंढ सकते हैं। और जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें यही फीचर है वो दिया गया है, क्यूआर कोड है इसी के बारे में है वो दिया गया है। अगर आप इसके बारे में और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो, जैसे कि इस स्मार्ट वॉच के ऊपर मैंने क्रोम ब्राउज़र को कैसे ओपन किया है वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस स्मार्ट वॉच में मैंने यूट्यूब भी चलाया था, वो सारा चीज़ आप इस का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन किया, इसमें यूट्यूब चलाया, इसमें जियो का भी सिम मैंने डाला था, इसमें लॉक कैसे लगाए वो भी मैंने दिखाया था कि इसमें पैटर्न लॉक कैसे लगता है। अगर वो वीडियो को आप नहीं देखें जा रहा सभी, तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को जाकर देखिए, तो बहुत ही अगर आपका भी अगर स्मार्ट वॉच में यूट्यूब वगैरह नहीं चलता है तो उस वीडियो को जाकर देखिए, तो आप में सक्सेसफुली 100% यूट्यूब है वो चलेगा। तो आपको ये वीडियो ज़्यादा से भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो जैसे ही आपको डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।